राधे राधे दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म पर्व यानी कि जन्माष्टमी का त्यौहार भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं, मगर जन्माष्टमी व्रत के दौरान आपको बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि इन व्रत में किन चीज़ों का सेवन आपको स्वस्थ रखने के साथ दिन भर एनर्जी से भरपूर रखेगा। तो चलिए जानते हैं कि व्रत में आपका खान पान कैसा होना चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत दो प्रकार का होता है, निर्जल व्रत। जन्माष्टमी के दिन कई भक्त निर्जल व्रत करते हैं। इस प्रकार के व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी या कोई तरल पदार्थ का सेवन किया जाता है। भक्त पूरे दिन प्रभु श्री कृष्ण का नाम जपते हैं और उनका ध्यान करते हैं। ऐसी मान्यता है कि अन्न और जल का त्याग करके वह भगवान के समीप हो सकते हैं। साथ ही उनका यह भी कहना है कि भोजन और पानी का त्याग ही वो सबसे बड़ा त्याग है जो वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के बदले भगवान को अर्पण कर सकते हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव मध्य रात्रि श्री कृष्ण के जन्म के बाद आरंभ होता है, जहां पूजा पाठ के बाद भक्त निर्जल व्रत समाप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी का व्रत भक्तों के मन से असहायता की भावना खत्म करके उन्हें सक्षम और आत्मविश्वासी बनाता है। दूसरे प्रकार का व्रत होता है फलाहार व्रत। ऐसे लोग जो बिना पानी का व्रत नहीं रख पाते, उन्हें फलाहार व्रत की सलाह दी जाती है। यह व्रत निर्जल व्रत से थोड़ा आसान होता है, क्योंकि व्रत रखने वाला व्यक्ति दूध और फल खा सकता है। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन नमक और अनाज नहीं खाना चाहिए। लोग चाहे निर्जला व्रत रखे या फलाहार, सभी का मकसद केवल ईश्वर के प्रति अपना श्रद्धा व्यक्त करना होता है। भक्त इस दिन भजन कीर्तन और श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो आइए जानते हैं फलाहार व्रत करने वाले व्यक्ति कौन सी वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं। साबूदाना और साबूदाने की बनी खिचड़ी, सिंघाड़े का आटा और उससे बनी पूरी, राजगिरा, कुट्टू का आटा, मखाना, मखाने से बनी खीर, फ्रूट और फ्रूट जूस का सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही ढेर सारा पानी भी पिया जा सकता है। इस व्रत में आप फल और फलों के जूस का सेवन कर सकते हैं। इससे आपको एनर्जी मिलती है और साथ ही स्वास्थ्य भी बना रहता है। इस व्रत में आप दिन में पानी, फल और दूध ले सकते हैं। ऐसे में दूध से बनी ठंडाई का सेवन करें। कैल्शियम और प्रोटीन से भरपूर ठंडाई पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इससे आपको तुरंत एनर्जी मिलती है। व्रत के एक दिन पहले स्वादिष्ट के साथ ही पौष्टिक खाना चाहिए। यह आपके पाचन क्रिया को स्वस्थ रखेगी। साथ ही इस दिन अधिक तेल मसाले वाली चीज़ें खाने से बचें। इससे आपको एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है। व्रत के दौरान आप पानी पी सकते हैं, इसलिए इस दौरान खूब पानी पिएं। अगर आपका निर्जल व्रत है तो इसके एक दिन पहले तक खूब पानी पिएं। व्रत तोड़ने के बाद लोग अक्सर तली भुनी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, लेकिन यह आपकी पाचन क्रिया के लिए ठीक नहीं है। तली भुनी चीज़ें खाने के लिए एक दो दिन का और इंतज़ार कर लें और व्रत खोलते समय हल्की फुल्की चीज़ों का सेवन करें। जब आप व्रत करते हैं तो आपके शरीर का शुगर लेवल गिर जाता है, इससे नींद आना और आलस जैसी परेशानियां हो जाती हैं। ऐसे में आलस को भगाने के लिए दूध से बनी मिठाइयों का सेवन करें। अगर व्रत के दौरान आपका कुछ मीठा खाने का मन कर रहा हो तो आप
गुड़ और शहद का सेवन कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी मीठा खाने की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और एनर्जी भी बनी रहेगी। तो आइए जानते हैं जन्माष्टमी व्रत में कौन सा प्रसाद श्री भगवान कृष्ण जी को चढ़ाना चाहिए। श्री कृष्ण जी को माखन चोर कहा जाता है, इसलिए प्रसाद के लिए दूध, शक्कर और घी से बनी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। कई घरों में तिल की खीर, श्रीखंड, पेड़े और कलाकंद जैसी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं। बोल श्री कृष्ण जी महाराज की जय। बोल श्री राधा रानी जी की जय।